तो सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में एक दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए हैं और पहली बार देश में वायरस ने 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर दिया। देश में एक दिन में 2,60,000 से अधिक केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में वायरस से 1,400 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और मौत का आंकड़ा 1,500 छूने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना की सेकेंड वेव ने इस तरह से हिट किया है, इस तरह से प्रभाव डाला है कि 2,60,533 केस हो चुके हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर पनप रही है। वायरस इतना प्राण घातक है कि हर रोज हजारों लोगों को अपना शिकार बना रहा है। लगातार पांचवें दिन में किलर कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। देश में 24 घंटे में 2,60,533 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से 1,493 लोगों की मौत। देश में पहली बार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार। देश में कुल एक्टिव केसों का आंकड़ा 17,95,278। कातिल कोरोना के कारण देश के कई राज्यों में स्थिति भयावह है। जानलेवा वायरस से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली का है। दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, अब आपको देश के 6 बड़े राज्यों में कोरोना के कितने केस आए वो दिखाते हैं। महाराष्ट्र में 67,102 नए केस जबकि 419 की मौत। उत्तर प्रदेश में 27,334 नए केस 120 की मौत। दिल्ली में 24,375 नए केस 167 की मौत। मध्य प्रदेश में 11,269 नए केस 66 की मौत। गुजरात में 9,541 केस 97 लोगों की मौत। वहीं तमिलनाडु में 9,344 नए केस 39 लोगों की मौत। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।